वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनआईएमटी रांची में आपको कितना रैंक पे कौन सा ब्रांच आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आपको हम बता दें कि हम लास्ट राउंड जोसा का बताएंगे जो 6 राउंड है, और सीसेप का सेकंड राउंड जो कि कितना रैंक पे कौन सा ब्रांच आपको मिल जाएगा। जोसा का लास्ट राउंड का बात कर ले, राउंड नंबर 6 का एनआईएमटी रांची का जो गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में आता है, तो इसका कैटेगरी बाई कैटेगरी रैंक देखें। पहले देख आपको बताते चलें कि कंप्यूटर्स इंजीनियरिंग का ओपनिंग रैंक हुआ था 33,000 पे, और वही क्लोजिंग रैंक हुआ था 49,000 पे। वही ओबीसी एनसीएल का बात कर लें तो वो 14,000 पे और क्लोजिंग हुआ था 18,000 पे। और भी कैटेगरीज का देख सकते हैं यहाँ पे। एससी का बात कर लें तो ओपनिंग रैंक 7,000 के आसपास हुआ था, क्लोजिंग 9,000 के आसपास। उसी तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बात कर लें तो ईडब्ल्यूएस का जो है ओपनिंग रैंक 10,000 और क्लोजिंग रैंक 12,000। मैकेनिकल इंजीनियरिंग एससी का बात कर लें तो 12,000 ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक 13,000। उसी तरह से सारे ब्रांच का यहाँ पर है मेंशन किया हुआ। मेटलर्जी का बात कर लें तो ओबीसी का जो है 24,000 ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक 30,000। इस तरह से सारे ब्रांच का यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का बात कर लें तो 26,000 ओबीसी एनसीएल का था ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक 30,000। वही ओपन टू ऑल रैंक देखा जाए तो 58,000 ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक 82,000। आपको बता दें कि जोसा का छठा राउंड है जो कि लास्ट राउंड जो है इसमें बहुत भैरी करता है। तो लास्ट राउंड में आपको सब चीज़ दिखाते हैं जो सीसेप का जो राउंड होता है। अब सीसेप का राउंड 2023 का बात कर लें एनआईएमटी रांची का, तो आपको दिखा दें हर ब्रांच का कितना कट ऑफ गया है। इसमें देख लीजिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग का ओपन रैंक जो हुआ था 65,000 के आसपास और क्लोजिंग रैंक 74,000 के आसपास। उसी तरह से ओबीसी एनसीएल का देखिए यहाँ पे 81,000 ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक 90,000 कंप्यूटर इंजीनियरिंग का। वही मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बात कर लें तो ओपन टू ऑल रैंक था 87,000 और 1,00,000 के आसपास क्लोजिंग रैंक था। आपको ये चीज़ यहाँ पर दिख रहा होगा कि सीसेप का जो है जोसा से बहुत ज़्यादा रैंक का वेरिएशन दिखने को मिल रहा है। ये हर कॉलेज का यही होता है, जो सीसेप का जो राउंड होता है बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को आपको मिलेगा। जैसे देखिए आप ईडब्ल्यूएस का मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ओपनिंग रैंक 1,00,000 के आसपास, क्लोजिंग रैंक 1,13,000 के आसपास यहाँ पे हुआ था। उसी तरह से आप एससी का देख लीजिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग का लगभग 2,00,000 ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक 3,00,000 के करीब चला गया था। उसी तरह से आप मेटलर्जी का भी देख सकते हैं, हर कैटेगरीज बाई कैटेगरीज यहाँ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप इस चीज़ को देख सकते हैं। मेटलर्जी का देखें ईडब्ल्यूएस का तो 1,36,000 के करीब आपको ओपनिंग रैंक गया था, क्लोजिंग रैंक 1,60,000 के करीब मेटलर्जी के लिए। वही प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का भी ओपनिंग रैंक देख सकते हैं आप यहाँ पे 1,35,000 के आसपास और 1,70,000 के आसपास क्लोजिंग रैंक ओपन टू ऑल। उसी तरह से कैटेगरी से बाई कैटेगरीज देख सकते हैं, ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी एनसीएल का, एससी का, सारा चीज़ यहाँ पे है ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक मेंशन किया हुआ है। आप इस चीज़ को देख सकते हैं और अपना रैंक के हिसाब से आप कॉलेज डिसाइड कर सकते हैं कि कॉलेज क्या होगा। इस वीडियो में इतना ही तक। अगले वीडियो में हम प्लेसमेंट से रिलेटेड इस कॉलेज का बनाएंगे, आप अगला वीडियो जरूर देखिएगा। हर ब्रांच बाई ब्रांच हम प्लेसमेंट से रिलेटेड डिस्कस करेंगे अगला वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।